अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के बी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 81428-7740। आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त पार्लियामेंट में मंजूरा तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के बयारम में स्टील फैक्ट्री के क्याम का वादा किया गया था, लेकिन मरकजी वजीर सियाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने स्टील फैक्ट्री के क्याम के इम्कान को मरहूम कर दिया। मरकज की जानिब से तेलुगु रियासतों के दरमियान ज़र अल्तवा मसाइल की यकसोई के लिए इजलास की तलबी के मौके पर किशन रेड्डी का ये बयान अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि बयारम में स्टील फैक्ट्री का क्याम मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों को अपने देरीना हल तलब मसाइल को मुस्तकिल तौर पर तय कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में स्टील फैक्ट्री का क्याम माशी तौर पर मुमकिन नहीं। तेलंगाना के महकमे अफजाइश मवेशिया ने मवेशियों में लंपे जल्दी मर्ज के सिलसिले में चौकस किया है। रियासत में कई मुकामात पर इसके मुश्तबा मामलात सामने आए। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे। जानवरों के डॉक्टरों का कहना है कि ये मवेशियों और भैंसों में एक मुतअद्दी बीमारी है, ये कैप्रीपोक्स किस्म के वायरस से फैलती है। बीमारी पर काबू पाने के लिए मुतासर रियासतों से मवेशियों की नकल व हमल पहले ही रोक दी गई। बैन रियासती मवेशियों की नकल व हमल की मुंतकली की वजह से रियासत में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए रियासती हुकूमत चौकसी इख्तियार कर रही। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निजामत फासलाती तालीम के जर एहतमाम चलाए जा रहे मुख्तलिफ UGPG डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज के 2005-06 बैच से बैकलॉग पर्चों के लिए दोबारा दाखिला, जिसे पहले दोबारा रजिस्ट्रेशन कहा जाता था, उसका मौका दिया जा रहा। ऐसे तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 28 सितम्बर ता 31 अक्टूबर खुला है। प्रोफेसर रजाउल्ला खान, डायरेक्टर फासलाती तालीम के मुताबिक तलबा को इतला दी जाती है की वो फीस पोर्टल वेबसाइट अदा करें और फॉर्म पूर करने के बाद उसे मुतलिका तलबा माउन मरकज LSC पर दाखिल करें। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट mano.edu.in पर लॉग इन करें या मुतलिका रीजनल, सब रीजनल व तलबा माउन मराकज से रब्त करें। निजामिया तिब्बी के तलबा की भूख हड़ताल, यूनानी अद्वियात को बचाने के लिए डॉक्टर्स, सेवन हाउस सर्जन्स जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल के दौरान बेहोश। गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल से वाबस्ता तलबा और डॉक्टरों ने नई हुकूमत की जानिब से यूनानी होम्योपैथी और नेचुरोथेरेपी को आयुष में जायज तिब्बी मजामीन के तौर पर खत्म करने की मुखालिफत करते हुए गैर मुयना भूख हड़ताल की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो इस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हुकूमत 16 सितम्बर को जारी करदा आखिरी नोटिफिकेशन को वापस नहीं ले लेती, जिसमें यूनानी होम्योपैथी और नेचुरोथेरेपी की अद्वियात को खत्म किया गया था, जबकि सिर्फ आयुर्वेद को बरकरार रखा गया था और उसे फरोख दिया गया था। होटल मैनेजमेंट वाले बोल रहे की हमारे, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, हमारे हाथ बंधे हुए है, हम आगे आके नहीं बोल सकते। आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है आप नहीं बोल सकते, तो फिर बच्चों की आवाज़ आपको सुनना पड़ेगा, आप सबको बच्चों की आवाज़ सुनना पड़ेगा। स्टूडेंट राइट है हमारा, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे और हमको जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमको इंक्लूजन नहीं मिलता NHM की पॉलिसी में, इंक्लूजन नहीं मिलता एम्स कॉलेजेस में, इंक्लूजन नहीं मिलता हमको जब तक कि प्रॉपर गाइडलाइंस हमारे हक में पूरे जारी होना सेंट्रल से, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये 3 बच्चे अनकॉन्शियस है, उनकी कंडीशंस कैसी है? डिट्रियोरेट है, उन लोग की हेल्थ काफ़ी डिट्रियोरेट हो रही है, उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं होने की वजह से उनको OGH शिफ्ट किया गया अभी। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में महकमे सेहत की एक जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। जायजा मीटिंग के आगाज में वज़ीर आला मेडिकल इमदाद फंड के तहत वज़ीर आला ने माउस पर क्लिक करके जेनेटिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी के मर्ज में मुब्तला 75 बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए रकम मुंतकिल की। इसके जरिए फी मुस्तफीद को 6 लाख रुपए की एक मश्त इमदाद की रकम फराहम की गई है। इसके बाद जायजा मीटिंग में महकमे सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने एक
प्रेजेंटेशन के जरिए महकमे के ताज़ा तरीन कामों और हुसूल याबियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करवाई। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। कोर्सेज ऑफर MPC, BPC, CEC एंड MEC। कॉर्पोरेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिमार्केबल रिजल्ट्स इन एवरी ग्रुप, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Ikhra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनजहानी इंदिरा गांधी को तेलंगाना के रिवायती त्यौहार बतकुमा से काफी लगाव था और 1978 में बतकुमा फेस्टिवल में इंदिरा गांधी की शिरकत से मुतल्लिक तारीखी तस्वीर को प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर पेश किया। दिल्ली में तेलंगाना के बतकुमा त्यौहार की सहरोजा तकारीब जारी है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर तेलंगाना आवाम और खासतौर पर ख्वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अनजहानी इंदिरा गांधी को बतकुमा त्यौहार से गहरा ताल्लुक था। 1978 में वरंगल में मुनाकिदा बतकुमा फेस्टिवल में इंदिरा गांधी ने शिरकत की थी। प्रियंका ने लिखा, इंदिरा गांधी मुख्तलिफ तहजीबों से बआसानी हम आहंग होने वाली शख्सियत थी। तेलंगाना के मिटपल्ली में बर्फी शॉक लगने से दो नौजवानों की मौत हो गई, जिससे गांव में अचानक गम की लहर दौड़ गई। मुकामी लोगों के मुताबिक इब्राहिम पट्टनम मंडल के डब्बा गांव के कनो विकास 24 साल और बंदला विनीत 23 साल मिटपल्ली में अपने दोस्त की दुकान से पुराना मीटर बोर्ड हटाकर उसकी जगह नया बोर्ड लगा रहे थे। अचानक बर्फी शॉक लग गया। इस हादसे में विकास और विनीत की मौके पर ही मौत हो गई। इन दोनों को बचाने के दौरान मजीद दो लोग झुलस गए। उन दोनों की हालत नाजुक है और उन्हें इलाज के लिए करीमनगर मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ममलिकत का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ममलिकत का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक शाही फरमान के हवाले से यह खबर दी। दरअसल बादशाह ने काबीना में रद्दोबदल का हुक्म जारी करते हुए सऊदी शहजादा खालिद बिन सलमान को वज़ीर दिफा मुकर्रर किया। वज़ारतों के सरबराहान में कोई तब्दीली नहीं की गई। उनमें वज़ीर तवानाई, वज़ीर जा, वजीर सरमायाकारी, वजीर दाखला और वजीर खजाना शामिल हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजान चार्ट 100% लाभम गारंटी तो पाटु उद्योगम व्यापारम इंटी पोरु आर्थिक समस्यलु प्रेम विवाहम चेतबड़ चेयबड़न वारु భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మై అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. జర్మన్టన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, డాక్టర్ మీర్ జవాద్ జార్ ఖాన్, సీనియర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్, బోన్ ఫ్రాక్చర్, జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్, హిప్ రిప్లేస్మెంట్ ఆర్ స్పైన్ సర్జరీ కామయాబీ సే అంజామ్ దే రహే హై. ఇస్కే అలావా న్యూరో సర్జరీ, కార్డియాలజీ, గైనకాలజీ, డెంటల్, జనరల్ మెడిసిన్, డయాలసిస్ ఆర్ ఫిజియోథెరపీ జైసే శోభజాత్ మే ఇంతహాయీ కామయాబీ కే సాత్ వాజిబీ ఫీస్ మే ఇలాజ్ కియా జా రహా హై. షేరింగ్ ఆర్ ప్రైవేట్ రూమ్స్ అస్పతాల్ మే 24 ఘంటే MRI, CT స్కాన్, 2D డిజిటల్ ఎక్స్రే, అల్ట్రాసౌండ్, ఆపరేషన్ థియేటర్, ICU ఆర్ ల్యాబ్ కీ సహూలత్ దస్తయాబ్ హై. ఆప్కీ ఉమ్మీదో కే ఐన్ ముతాబిక్ జర్మన్టన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, పిల్లర్ నంబర్ 150, అతాపూర్, హైదరాబాద్. क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी?
जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।